हेलो गाइस, मैं और चिराग हूं एक और नए वीडियो के साथ, जिसमें कि आज मैं बताऊंगा कि आप अपने आइस प्लांट से, जो कि मिनी हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है, फुल साइज हो सकता है, उससे आप मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाल सकते हो, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो जो मैक्सिमम आउटपुट निकालने का जो पहला रूल रहता है ना, वो सबसे पहला चीज डिपेंड करता है कूलिंग टावर पे। कूलिंग टावर जो चीज है ना, ये है, आप देख सकते हो, ये है अपना कूलिंग टावर। और हमने गलती कर दी है कि इसको हमने अंदर बनवा दिया है। सबसे पहला रूल रहता है, सबसे पहला ये चीज याद रख लो कि कूलिंग टावर जो है ना, बिल्कुल जो वेल वेंटिलेटेड एरिया है ना, इसमें बिल्कुल अच्छे से हवा चलती है, सो अच्छे से हवा चलती है, हवा पास होती है, जहाँ पे खुद से ठंडा हो सके, इसको वहां बनवाना चाहिए। सबसे पहली चीज इसको बाहर बनवाना चाहिए, छत में बना लो या बाहर बनवाओ, लेकिन अंदर नहीं बनवाओ, गलती हो गई, हम लोग का तो चल रहा है, लेकिन आप बाहर बनवाना। दूसरी चीज जो ये आप देख सकते हो, इसमें जो राउंड है ना, ये देखो, आप ये राउंड देखो, तो ये जो राउंड है ना, आपको इसके बोलना है अपने टेक्नीशियन को, भाई इसके राउंड ना एक दो राउंड और बढ़ा दो, तो क्या रहेगा ना, आपको थोड़ा सा ज्यादा एरिया मिल जाएगा कि वो जल्दी ठंडा हो, क्योंकि ये जब अच्छे से ठंडा होगा ना, तब भाई बर्फ बहुत सही से जमेगी, बहुत जल्दी जमेगी, ये इस चीज से, कूलिंग टावर से। कूलिंग टावर अच्छे से ठंडा रखना है, दैट्स इट, बाहर बनवाओ, एक दो राउंड इसके और बढ़वा दो कॉपर पाइप के, बहुत जल्दी बर्फ जमेगी। और आ जाते हैं तीसरी चीज में, जो कि है अपना कंप्रेसर। तो कंप्रेसर आपको एकदम वाइजली चूज करना है कि 3 टन का रहेगा, 5 टन का रहेगा, वो आप कंप्रेसर चलो लग गया 5 टन का लगा, तो उस पर आपको ना रेगुलर एक चेक करते रहना पड़ेगा, मतलब 15-20 दिन में, महीने भर में, अगर आपका पूरा रेगुलर चलता है ना पूरे थ्रू आउट द ईयर, तो आपको महीने में चेक करना पड़ेगा, वरना ये 3-4 महीने इसका चलता है ना, वो उसको 15-20 दिन में चेक करते रहना पड़ेगा। कंप्रेसर जैसे कि चल रहा है, तो कहीं थोड़ा ज्यादा ही वो गर्म तो नहीं हो रहा है, ये ठंडा ही तो नहीं है, बिल्कुल बर्फ नहीं जम रही, लेकिन वो ठंडा है, एकदम लोड पे चल रहा है लेकिन तब भी ठंडा है, तो उस पर आपको गैस का ध्यान रखना पड़ेगा, कंप्रेसर में गैस का ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि बहुत जरूरी है। गैस एकदम बराबर होनी चाहिए, ज्यादा रहेगी तो ठंडा हो जाएगा, पूरा कंप्रेसर ठंडा पड़ जाएगा और नहीं चलेगा अच्छे से। अगर कम हो गई ना, तो कंप्रेसर बहुत तेज गर्म होगा, और जब गर्म होगा तो ऑब्वियसली कूलिंग टावर तो गर्म हो गई, चले वाले का है नहीं, तो वो सब आप देखते रहना। और अगर आपके पास जैसे फ्रिज शेप में जैसे हम लोग का लगाया कंप्रेसर वैसा होगा ना, तो आप उसमें खुद से ही भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब उसके लिए पाइप वाइप आता है, वो आपको बता दूंगा अगले वीडियो में कैसे भरते हैं। ये हो गया अपना, और आ जाते हैं चौथी चीज पे। चौथी चीज क्या है ना, कि कूलिंग टावर अपन ने सुधार लिया, कंप्रेसर में गैस अच्छे से, ठीक है, लेकिन अब गलती क्या होती है ना, कि कंप्रेसर चल रहा है, चीज चल रही है, लेकिन एजिटेटर अच्छे से नहीं चल रहा है, मतलब सही टाइम लिमिट पे नहीं चल रहा है, तो इसको आपको सही करना है, जिसमें कि क्या बोलते हैं, जो पूरा टैंक है ना, पूरे टैंक में अच्छे से कूलिंग हो, इवन कूलिंग हो, पूरी बराबर कूलिंग हो। अब आपने क्या किया, पूरा कंप्रेसर हमें सब चालू है, ठीक है, 2 घंटे चल रहा है कंप्रेसर पे, अच्छी खासी बर्फ आ गई, एजिटेटर चल नहीं रहा है, एजिटेटर हमने चलाया, 5 मिनट में कंप्रेसर गर्म हो गया, क्योंकि जो उसकी जो ठंडाक है ना, वो जो अंदर पाइप डले ना, कूलिंग पाइप टैंक में, केवल उतने ही एरिया में, पूरे में नहीं है, पूरे टैंक में, तो आपको एजिटेटर का ध्यान रखना पड़ेगा, ये सबसे जरूरी चीज़ है। और एक और चीज़ की बात करूं, जो कि इम्पोर्टेंट बोल सकते हो, वो है कि लाइट, लाइट का भाई ध्यान रखना, क्या रहता है, कभी कभी लाइट डिम हो जाती है ना, तो कंप्रेसर गर्म पड़ जाता है, कंप्रेसर गर्म होता है, वो बंद कभी कभी नहीं होता है, क्योंकि अगर थोड़ी सी माइनर से डिम होती तो बंद नहीं होता है, तो गर्म हो जाता, तो उसकी वजह से बर्फ नहीं जमती है, यह चीज़ ध्यान रखना। बाकी चीज़ें तो ठीक है, कि आप पंप पंप लगा दोगे, इसको ठंडा रखो, कंप्रेसर में गैस बराबर रखो, लीकेज कहीं से नहीं होनी चाहिए, लीक हो गई तो और दिक्कत, वो तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और अपने एजिटेटर को टाइम पे चला दो, बस ये मैक्सिमम रूल है। और एक सबसे उससे सबसे ज़्यादा जरूरी रूल, जो कि है कि टैंक जो है ना, टैंक में नमक कितना है भाई, अगर आप एक चीज़ दिमाग लगाओ, कि जैसे कैन है, ठीक है, कैन में तो बर्फ जम रही है, तो अंदर का पानी क्यों नहीं जम रहा है, बताओ, ये चीज़ जो है ना, ये समझना पड़ेगा, कि कैन में अंदर, मतलब टैंक में नमक डाला रहता है, इसलिए पानी जमता नहीं, वरना वो भी जम जाएगा तो क्या, बर्फ कहाँ से फिर आगे बढ़ेगी, मतलब क्या पानी चलेगा, एजिटेटर का क्या काम है। तो जो नमक है ना, नमक आपको रेगुलर 2-3 दिन में करीब आपको 30-30 किलो उसमें नमक झुलाते रहना पड़ेगा, मतलब ऐसे डालना नहीं उसको, कोई सा जैसे प्याज का बैग आता है ना, प्याज का वो जालीदार टाइप का वो बोरा आता है, उसमें डाल दो नमक अच्छे से छान वान के, डर्रे वाला नमक, जो कि ये रखा है, ये इतना, ये करीब 30 किलो होगा, 28-30 किलो है, इतना नमक ले लो, उसमें डाल के साइड से कहीं से झुला दो,
या फिर एक फ्रेम बनवा लो कैन के साइज का जालीदार, जिसमें कि नमक गिरे ना, टैंक में नहीं गिरना चाहिए ना, टैंक वहां से गल जाएगा, नहीं घुलेगा अंदर। तो उसमें आप लटका दो अच्छे से, जैसे जैसे नमक उसमें एक्यूरेसी आएगी ना, नमक एकदम अच्छा होएगा ना, तो टेम्परेचर ऑब्वियसली एकदम से बढ़ेगा, बहुत जल्दी बढ़ेगा। वरना अगर आपका ये कूलिंग टावर सही है, सब ठीक है, नमक ही अच्छे से नहीं है तो नहीं चलेगा, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है, नमक का ध्यान देना। बाकी बस इतनी जो चीज़ें थी, इसको ठंडा रखना, नमक का ध्यान रखना, एजिटेटर बराबर चलना चाहिए, कंप्रेसर में गैस का ध्यान रखना, बस इतनी चीज़ों पर आप ध्यान रख लोगे तो आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, और वो भी 24 घंटे के पहले ही आपको मिल जाएगा, मैं तो बोलता हूँ बस। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।